नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि कैपेसिटर डीसी को कैसे ब्लॉक करता है, कैपेसिटर एसी को कैसे अलाउ करता है, और क्या एक कैपेसिटर से डीसी करंट पास हो सकती है। ये सब हम आज आपको बताएंगे। यहाँ पर एक हमने एक सिंपल सर्किट दिखाया है। ये बैटरी है 12 वोल्ट की, 2 ओम का रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, और ये स्विच ओपन है। जब स्विच ओपन है तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, ठीक है, और इसमें कोई करंट नहीं बह रही है, 0 करंट है अभी। अब मान लीजिए स्विच हम क्लोज कर देते हैं तो क्या होगा। हमने क्लोज कर दिया, जब हमने स्विच क्लोज कर दिया तो इसमें डीसी करंट बहने लगी। इसमें डीसी करंट बह रही है, एसी नहीं, तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, फिर 6 वोल्ट हो जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता रहेगा, 8 होगा और फिर पूरा 12 वोल्ट हो जाएगा। जब कैपेसिटर के अक्रॉस 12 वोल्ट हो जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज होना बंद कर देगा। अब ये रजिस्टर हमने यहाँ दिखाया है, अभी मैं इसको छुपा देता हूँ, आप इधर ध्यान दीजिए। इस रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम। अगर इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है तो करंट कितनी फ्लो होगी, 12/2 मतलब 6 एम्पियर। अब वही रजिस्टर मान लीजिए यहाँ फिर हमने दिखाया है और उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, मतलब इधर भी 12 वोल्ट है, इधर भी 12 वोल्ट है। अगर दोनों तरफ 12 वोल्ट हो और आप एक मल्टीमीटर से वोल्टेज नापें इसके अक्रॉस, तो 0 देगा, 12-12 0, तो 0 वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, करंट कितनी आई, 0 एम्पियर। तो अगर वोल्टेज डिफरेंस 12 वोल्ट है तो 6 एम्पियर करंट, और अगर दोनों साइड में 12 वोल्ट है या वोल्टेज डिफरेंस 0 है तो इसमें करंट नहीं बहेगी या 0 एम्पियर बहेगी। अब हम ये दिखाते हैं आपको। शुरू में जब ये हमने स्विच ऑन किया था तो यहाँ पे वोल्टेज 0 था, तो इसमें करंट बह रही थी, कितनी शुरू में बही, 12/2 6 एम्पियर। तो शुरू में 6 एम्पियर करंट, डीसी करंट इसमें बही, ये डीसी है। अब ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, जब चार्ज होने लगेगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज बढ़ेगा, तो इसमें करंट कम होने लगेगी, धीरे धीरे चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, और जब पूरा 12 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज या इस पॉइंट का वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये कंडीशन आएगी। देखिए ये रजिस्टर ये है 2 ओम का, ये वाला पॉइंट ये है 12 वोल्ट, और ये वाला पॉइंट ये है, इधर भी 12 वोल्ट, इधर भी 12 वोल्ट, तो डिफरेंस क्या हो गया, 0 वोल्ट, तो करंट 0। तो यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और इसमें कोई भी डीसी करंट नहीं बहेगी। तो अब देखिए आप, जब तक इसमें करंट बह रही थी ये चार्ज हो रहा था, जब ये चार्ज हो गया तो डीसी करंट इसमें बहना बंद हो गया, इसलिए चार्ज नहीं हो रहा। क्यों बंद हो गया, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गया, इसने कुछ ब्लॉक नहीं किया, ये अपना काम कर रहा है। अगर करंट इसमें फ्लो कराओ तो ये चार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी और लगा देते हैं। अभी ये कैपेसिटर 12 वोल्ट चार्ज हो गया और इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही, यह हम लोग कह देते हैं इसने करंट को ब्लॉक कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी और लगा दी तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 24 वोल्ट। अब फिर इसमें करंट बहने लगेगी तो फिर ये चार्ज होने लगेगा। क्यों चार्ज होने लगा, क्योंकि इसमें करंट फिर बह रही है। जब खाली इतना था, पूरा चार्ज था, तो
तो इसमें करंट जीरो हो गई थी, इसलिए इसमें करंट नहीं बह रही, ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक और लगा दो बैटरी, तो फिर करंट इसमें बहने लगे कि ये ब्लॉक नहीं कर सकता, ये फिर चार्ज होने लगेगा। जब यहाँ पे 24 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगी और ये चार्ज होना बंद कर देगा और हम कह देंगे कि कैपेसिटर ने टीसी को ब्लॉक कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने एक सर्किट और दिखाया है, इसमें इस कैपेसिटर की जगह हमने एक बैटरी लगा दी है। ये बढ़िया बैटरी है, 12 वोल्ट की बड़ी। ये बैटरी भी 12 वोल्ट की है, मगर ये डिस्चार्ज हो गई है। मान लीजिए इसका वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो इसमें करंट बहेगी, बहेगी ना? और ये करंट तब तक बहती रहेगी जब तक ये बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती, और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी ये 12 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट बहना बंद हो जाएगा और इसमें कोई डीसी करंट नहीं बहेगी। यहाँ भी ऐसे ही था, जैसे यहाँ डीसी करंट बहने से बैटरी चार्ज हो रही थी, यहाँ पे डीसी करंट बहने से कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। यहाँ पे जब बैटरी फुल चार्ज हो गई तो यहाँ करंट जीरो हो गई, यहाँ पर कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया तो ये करंट जीरो हो गई। जब यहाँ डीसी करंट जीरो हो गई तब हम नहीं कहते कि बैटरी ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन जब यहाँ डीसी करंट जीरो हो जाती है तो हम कह देते हैं कैपेसिटर ने ब्लॉक कर दिया। तो ये कैपेसिटर ने डीसी ब्लॉक कर दिया, ये समझाने की भाषा है, ऐसा लगता है कि ब्लॉक कर रहा है। वास्तव में क्या हो रहा है कि करंट डीसी जीरो हो जाती है तो ये चार्ज होना बंद हो जाता है, जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर, ठीक है ना? अब मैं आपको एक बहुत ही विशेष एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए ये कैपेसिटर है और इसमें हम डीसी करंट फ्लो करा रहे हैं, डीसी एसी नहीं, तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और चार्ज होता रहेगा, होता रहेगा जब तक इसमें डीसी करंट बहती रहेगी और इसका वोल्टेज बढ़ता रहेगा। हम मान लीजिए कि ये कैपेसिटर कितना भी वोल्टेज ले सकता है, ये हम कह रहे हैं डीसी करंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पूरी जिंदगी आप डीसी करंट इसको देते रहिए, कैपेसिटर में डीसी करंट बहती रहेगी और ये कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता रहेगा और ये चार्ज होता रहेगा। तब आप ये हम कह सकते हैं क्या कि कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक किया? बिल्कुल नहीं किया, कैपेसिटर ने डीसी करंट को ब्लॉक बिल्कुल नहीं किया। जब तक आप इसमें डीसी करंट देते रहेंगे तब तक इसमें करंट बहती रहेगी और ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा और इसका वोल्टेज बढ़ता रहेगा, जब तक ये डीसी करंट खुद हम जीरो ना कर दें। तो जब हम कहते हैं कि कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक किया, वो ठीक नहीं है। सही भाषा ये है कि कैपेसिटर चार्ज होने से डीसी करंट जीरो हो जाती है, सर्किट ऐसा होता है जब डीसी करंट जीरो हो जाती है तो हम कह देते हैं कैपेसिटर ने ब्लॉक किया। आप करके देख लीजिए, आप माइक्रो एम्पियर की करंट दीजिए डीसी की, एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा दीजिए और आप कई दिन तक कई महीनों तक इसमें डीसी करंट फ्लो कराइए, डीसी करंट फ्लो होती रहेगी, कैपेसिटर नहीं ब्लॉक करेगा। अब थोड़ा बात करते हैं कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, इसका कंसेप्ट जानते हैं। इस सर्किट में ये एसी सप्लाई है, ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, तो इसमें जो करंट और वोल्टेज होगा कैपेसिटर के क्रॉस, वो यहाँ दिखाया है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो इसके क्रॉस एसी वोल्टेज मिलेगा और इसमें एसी करंट भी बह रही है, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर ने एसी को पास कर दिया। अब हम इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, इस पॉइंट पे देखिए ये करंट जीरो है और वोल्टेज मैक्सिमम है। मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट पीक था तो ये 12 वोल्ट पीक होगा, तो बाकी हिस्सा हम छुपा देते हैं। खाली ये हिस्सा देखिए, ये करंट है, ये वोल्टेज है,
तो वोल्टेज मैक्सिमम है और यहाँ पे करंट जीरो है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि यहाँ पे डीसी होने पर था। डीसी में भी जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज था जैसा कि यहाँ पर है तो करंट जीरो हो रही थी, यहाँ पर भी जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो है। तो कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक किया या कैपेसिटर ने एसी को अलाउ किया, ये हमको फील होता है। जब तक इसमें करंट बहती रहेगी तब तक ये कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता रहेगा। डीसी में क्या होता था, वोल्टेज यहाँ फिक्स होता था, ये पूरा चार्ज हो जाता था, फिर करंट जीरो हो जाती तो हमें लगता था उसने ब्लॉक कर दिया। और एसी में चूंकि वोल्टेज ही बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो नहीं होने पाती हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए हो रही है, क्योंकि हमेशा के लिए यहाँ पे करंट जीरो नहीं होती तो करंट बहती रहती है, तो हम कहते हैं कि ये एसी को अलाउ कर रहा है। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक किया या कैपेसिटर ने एसी को अलाउ किया, ये कहना अच्छी बात है, इससे समझ में आता है। हम जो बता रहे हैं आपको ज़रा ज़्यादा कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर आप कहते हैं कैपेसिटर डीसी ब्लॉक कर रहा है तो आप कहते रहिए, हम और एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि वास्तव में क्या होता है। ठीक है, अभी हम और आगे आपको कुछ बताते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑडियो एम्पलीफायर दिखाया है और यह स्पीकर है, और यहाँ कैपेसिटर लगा दिया है जिसको हम सब कहते हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर, कहते हैं ना, और ये आउटपुट है। तो जो ऑडियो एम्पलीफायर होता है उसका यहाँ पे आउटपुट में एसी और डीसी दोनों होता है, जो कि हमने यहाँ दिखाया है। देखिए इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डीसी है और ये पोर्शन एसी का है, तो डीसी प्लस एसी, तो टोटल ये 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 ऐसे वोल्टेज बदलता रहता है। अब यहाँ पे भी हम कहेंगे डीसी ब्लॉक करता है, इसमें क्या होता है, शुरू में जब ऑडियो एम्पलीफायर ऑन करते हैं तो इस कैप्चर में डीसी करंट बहती है और डीसी करंट धीरे धीरे जीरो हो जाती है। उसके अलावा इसमें एसी करंट भी बहती है जो कि ये है, ये जो नीला वाला है ये ऑडियो का एसी आउटपुट है, ऑडियो सिग्नल, और जो ये रेड वाला है, रेड वाली करंट है, ये इसकी चार्जिंग करंट है डीसी की वजह से। तो शुरू में डीसी और एसी दोनों बहेगी, थोड़े समय के बाद ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद इसमें डीसी करंट बहना बंद हो जाएगा और फिर खाली एसी बहती रहेगी। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।